शहरातून दुचाकी चोरून ग्रामीण भागात नेऊन त्यांची विल्हेवाट लावणाऱ्या एका चोरट्याला नागपूर गुन्हे शाखेच्या वाहन चोरी विरोधी पथकाने अटक केली आहे. आतापर्यंत पोलिसांनी या चोरट्याकडनं 111 दुचाकी जप्त केल्या असून त्यांची एकूण किंमत सुमारे 77,70,000 रुपये आहे. हा चोर व्यवसायाने ऑटो डीलरकडे काम करायचा आणि प्रेमविवाहानंतर आर्थिक विवंचनेमुळे त्याने गाड्या चोरून त्या विकायला सुरुवात केली. संपूर्ण प्रकरणाची माहिती नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. नागपूर शहरातून अनेक पोलीस स्टेशन हद्दीतून अनेकांच्या दुचाकी चोरीच्या तक्रारी संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाल्या. अशात दुचाकी चोरट्यांचा शोध घेण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले असता गुन्हे शाखा चांगलीच अलर्ट झाली. गुन्हे शाखा पथकाने तात्काळ याचा सुगावा लावून एका दुचाकी चोरट्याचा शोध लावून त्याला ताब्यात घेतले असता त्याची कसून चौकशी केली. तो नागपूर शहरातील अट्टल दुचाकी चोरटा निघाला. शहरातून दुचाकी चोरून ग्रामीण भागात नेऊन त्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या एका चोरट्याला नागपूर गुन्हे शाखेच्या वाहन चोरी विरोधी पथकाने अटक केली. आतापर्यंत पोलिसांनी या चोरट्याकडून तब्बल 77,70,000 रुपये किमतीच्या तब्बल 111 दुचाकी जप्त केल्या आहे. ताब्यात घेतलेला चोरटा हा व्यवसायाने ऑटो डीलरकडे काम करायचा. प्रेमविवाहानंतर आर्थिक विवंचनेमुळे त्रस्त होऊन त्याने अनेक दुचाकी वाहन चोरून त्या विकायला सुरुवात केली. या घटनेबाबत संपूर्ण प्रकरणाची माहिती नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे. एक आरोपी है जो काफ़ी दिनों से लगभग 2 साल से वाहन चोरी कर रहा था और ये हमारे क्राइम ब्रांच को पता चला और इसके बाद में उसके घर से लगभग 20 वाहन मिले हैं, हमको मोटरसाइकिल्स मिली हैं. तो वो उसके बाद में जब हमने इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके बाद में पता चला कि लगभग 111 इसने अभी तक वाहन चोरी किए थे और उसमें से हमने सभी लगभग बरामद किए और 85 FIRs अभी तक दर्ज हुई है इसमें. और इसने इसके अलावा भी कोई वाहन ऐसे हैं जो इसने बेचे हैं, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं. और क्योंकि ये काफ़ी टाइम से कर रहा था, हमें ऐसा लगता है कि इसने 111 से ज़्यादा वाहन इसने और भी शायद चोरी किए होंगे और बेचे होंगे. ये जो वाहन थे ये ग्रामीण भागों में इस तरह के वाहनों को बेच रहा था और वहाँ से जो हमारी टीम ने रिकवर किए हैं. और ये कार्रवाई जो आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी क्योंकि काफ़ी वाहन यहाँ पे चोरी होते हैं या आसपास के जो सिटीज़ हैं जैसे अमरावती है वहाँ पे भी इस तरह के हमने जब कम्युनिकेट उनसे किया उनके यहाँ भी इस तरह की चोरियाँ होती हैं. तो आसपास में जहाँ भी होती हैं तो इस कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि कई बार जो है आरोपी यहाँ से लेके या तो ग्रामीण भाग में या वहाँ सिटी में बेचता है उसको, तो ये सब चीज़ें हम कोऑर्डिनेट करके बाकी जिलों से बाकी शहरों से बात करके इस पर कार्रवाई करेंगे. देखिए इसमें ना अभी जो गाड़ियाँ जो रह गई हैं उनके अंदर जो है उसका चेसिस नंबर और ये सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसका जो ओनर है वो ओनर का इन्फॉर्मेशन निकाल के उससे हम अब पहुँच रहे हैं. कभी सब चीज़ें क्योंकि ये सबको पता चल गया था इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, बट जो रह गए हैं उनके बारे में उनके ऑनर्स के तक पहुंच के ये सब इन्फॉर्मेशन हम आपको बता सकते हैं. बार ये जो अभी तक का जो है पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने पूरा क्योंकि अभी तक पूरा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करके कब से गाड़ियाँ जा रही थी और क्या 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 हो रहा था ये हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए. इसमें है 9 जिले जो हैं, उसमें हमको 9 जिलों की गाड़ियाँ मिली हैं. जो अभी तक डिटेक्ट हुई हैं गाड़ियाँ वो सब महाराष्ट्र की हैं. लगभग 77 लाख से ज़्यादा इसकी जो है कीमत अभी तक रखी गई है. तो ये लगभग 24 साल का है ये आरोपी और लगभग 12वीं क्लास तक ये पढ़ा है. ये इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है. तो इसमें जो है या तो लॉक तोड़ के या फिर वो क्योंकि वो अभी पूरी तरह से बता नहीं रहा, तो ये डुप्लीकेट चाबी से भी उसको कई बार खोलता था इसको.